यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 28। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 28। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक बलात्कारी है। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों की नाई मारा जाएगा, तो भी मैं ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धिमानी से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलिया तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं, सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख सिदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, हे सिदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लोहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी। तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और इसराइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती है, उनमें से कोई उनका चुभने वाला काटा व बेधने वाला शूल फिर न ठहरेगी। तब
वे जान लेंगी कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं इसराइल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच वे तीतर बीतर हुए हैं और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। वे उसमें निडर बसे रहेंगे, वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उनको चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं। तब वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है।